नमस्कार। जम्मू लद्दाख कश्मीर जेल के केस मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हरबंस नागो के आज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो संभवतः पहली बार आप देखेंगे। अनुभव मेरा यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा के चुनाव लंबे समय तक नहीं होंगे, यहां राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। ये बात अलग है कि हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, राजनीतिक दल ऐसा नहीं कह रहे हैं। अलबत्ता वो जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्दी नहीं है। संभवतः इन्हीं कारणों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से नूरा कुश्ती का समझौता किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका बहुत बड़ा आधार जम्मू की दो लोकसभा की सीटों पर है, मगर उन्होंने यहां पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा ही नहीं किया। हालांकि डंके की चोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वेसर्वा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चीफ सेक्रेटरी एक्स जो रह चुके हैं, एमएलसी भी थे, उनके लिए ऐलान किया था कि जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे, मगर उसे दरकिनार कर उन्होंने यहां पर सीट छोड़ दी कांग्रेस के लिए। और वैसा ही उन्होंने किया कठुआ उधमपुर की लोकसभा सीट पर। जो तीन सीटें कश्मीर घाटी में है उन्होंने दो पर नूरा कुश्ती की बात कही है। समझौते में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी, और लद्दाख पर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। जग जाहिर है कि सभी राजनीतिक दल ये अब समझ चुके हैं कि पहली बार केंद्र सरकार ने कड़े हाथों से, सख्त कदमों से आतंकवाद के समर्थकों को जड़ से उखाड़ फाने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं राष्ट्रपति शासन के अधीन, जिसकी यहां कमान महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक के हाथों में दी है। जब सत्यपाल मलिक आए थे तब से उन्होंने ऐसे नए आयाम दे डाले थे, उसी का परिणाम ये था जमाते इस्लामियों पर बैन करना, जेकेएलएफ के यासीन मलिक जिन्हें वीवीवीआई ट्रीटमेंट देती थी केंद्रीय एजेंसियां, और उन्हें पीएसए लगाकर उनके आजादी समर्थक जेकेएलएफ को बैन कर दिया गया। पहली बार केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी के सशस्त्र गुट हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीमो जो गुलाम कश्मीर या पाकिस्तान में बैठा गुर्रा रहा है उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। हवाई जहाज की फैसिलिटीज देने और कड़ी सुरक्षा देने वाले जमाते इस्लामी के बाद सैयद अली शाह गिलानी पर भी शिकंजा कसा, जहां एक तरफ इनकी सिक्योरिटी ले ली गई, दूसरी तरफ से आतंकवाद के समर्थन में जिन्हें बहुत सा पैसा आया है, किसी भी ढंग से आया है, उस पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। त्रिपक्षीय वार्ता की बात करने वाले सेंट्रल जेल में दिल्ली के हवा खा रहे हैं। ये बातें सारी तय कर रही थी कि यहां जब तक आतंकवाद सख्ती से कुचला नहीं जाएगा यहां विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। कारण है, अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहां पर गठबंधन सरकार ही बनेगी, और अगर उसमें कश्मीर घाटी की कोई भी पार्टी आती है और उसमें यह तय है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के वो सरकार नहीं बना पाएंगे, मगर सरकार बनाएंगे तो वही हश्र ना हुआ जो पहले भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकारों में हुआ, और यही दो प्रमुख दल दोषी थे जिन्होंने आतंकवाद को चरम सीमा पर ला डाला। मगर जिस तरह से केंद्र सरकार ने इन पर शिकंजा डाला और अलगाववाद को जड़ से उखाड़ फाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, उससे साफ होता है कि अगर जल्दी विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं तो ये बात तय है कि जो इस समय जेलों में अलग अलग बंद हैं उनको छुड़वाया जाएगा, उनका समर्थन लिया जाएगा और पत्थरबाजी में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इन्हीं कारणों से ये राजनीतिक दल भी जान चुके हैं, नहीं तो क्या वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका जम्मू के सभी 10 जिलों में अच्छा खासा प्रभुत्व है, जम्मू जिला से ही उनका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक भी बना था अरनिया बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कमल अरोड़ा, और भी जगह उन्होंने अच्छी खासी बढ़त ली थी, और आज भी चाहे विजयपुर हो, सांबा हो, हीरानगर हो, यहां पर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा दबदबा है। अब उनका उम्मीदवार कोई नहीं है। जो उम्मीदवार उनका था
भी आर कुंडल उसको टिकट ही नहीं दी गई, इसके बावजूद यहाँ पर आक्रोश है और ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है। लंबे समय तक अगर यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं होते, और ये बात संभवतः पीडीपी भी जान चुकी है, कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दल भी जान चुके हैं, इसी कारण से इन्होंने नूरा कुश्ती जैसा समझौता भी किया है और यही प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। अलबत्ता कागजी घोषणाएं अवश्य होती रहेंगी। नमस्कार।